अगर आपको थकान या वीकनेस रहती है, बॉडी एक रहता है, या फिर आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं, बढ़ते हुए बच्चे हैं, या फिर आपका सिर दर्द रहता है, उसके लिए मैं आज लाई हूँ हमारे घर में बनने वाला एक घरेलू नुस्खा, जिसको हमारे घरों में दादियाँ और नानियाँ जनरेशन से बनाती चली आ रही हैं। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको बनाना कैसे है, स्टोर कैसे करना है और सर्व कैसे करना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड्स एंड फ्लेवर्स, मैं हूँ शिल्पी। तो आइए देखते हैं इसको बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी। इसके लिए यहाँ मेरे पास है 250 ग्राम बादाम। इसको हम एक बोल में डाल देंगे और इसमें पानी डालेंगे, इनको मिक्स कर देंगे और अब हम इसको ओवरनाइट सोक करेंगे। इसको मैं साइड में रख लूँगी। और यहाँ मेरे पास है खसखस या पोस्ता, या फिर जिसे पॉपी सीड्स भी कहा जाता है। ये करीब आधा कप होंगे, या फिर आप समझ लें 50 ग्राम्स हैं। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी आधा कप और 1/4 कप, या फिर वेट से कह लें आप 100 ग्राम्स खरबूजे के बीजे या मींगी, या फिर जिसे मस्क मेलन सीड्स कहा जाता है। हम इसमें भी पानी डाल देंगे, जिससे ये अच्छे से रात भर में भीग कर फूल जाएंगे। तो पानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस जितना ये मेवे हैं उससे आधा इंच ऊपर तक पानी भरना है। इसको भी हम मिक्स कर देंगे और ओवरनाइट सोक होने देंगे। और यहाँ मेरे पास है सफ़ेद मिर्ची, या फिर जिसे दखनी मिर्च भी कहा जाता है। ये करीब 1 टेबलस्पून होगी। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सादा काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको भी सोक होने छोड़ देंगे। ये देखिए, हमने मेवे को ओवरनाइट सोक किया था। आप देखें बादाम कितने अच्छे से फूल गए हैं। तो हम इन बादाम को छील लेंगे और ये जो पोस्ता और खरबूजे के बीजे हैं, हम इनका पानी छान के अलग कर देंगे। और उस पानी को आपको फेंकना नहीं है, हम उसको पीसते समय यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए मिर्च भी बहुत अच्छे से फूल गई है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ध्यान दिलाना चाहूँगी कि जब भी आप खरबूजे के बीजे यूज़ करें, उसको हल्का सा टेस्ट कर लें। कई बार वो अगर थोड़े से भी पुराने होते हैं तो उसमें कड़वापन आ जाता है। तो आप क्या करें, जब भी खरबूजे के बीज का पैकेट खोलें तो उसको फ्रीज़र में स्टोर करें, इससे वो फ्रेश रहता है। और आइए अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने एक मिक्सी का जार लिया है और इसमें हम डाल देंगे ये सफ़ेद वाली मिर्च। तो इसको पानी के साथ ही डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे ये छिले हुए बादाम, और इसमें हम डाल देंगे ये खरबूजे के बीजे और पोस्ता, और ये जो थोड़ा सा पानी पोस्ते में से और खरबूजे के बीजे में से निकला था, हम इसको भी धो के इसमें डाल देंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसको बहुत पतला नहीं करना है, इसका एक थिक पेस्ट बनाना है, पर एक स्मूथ पेस्ट बनाना है। तो मैं अब इसको पीस लूँगी। ये देखिए, मैंने मिक्सचर को पीस लिया है और ये काफ़ी स्मूथ पिसता है इसी तरह का। और यहाँ पे मैंने मिक्सी के जार में हल्का सा पानी डाल के इसको धो लिया है। इसको भी हम हलवे में यूज़ करेंगे। तो आइए अब मैं दिखाती हूँ कि इस हलवे को भूनना कैसे है। हलवे को भूनने के लिए यहाँ मैंने एक नॉनस्टिक पैन लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ देसी घी। घी को हम हल्का सा मेल्ट हो जाने देंगे, क्योंकि ये हलवा जो है स्पेशली हम इम्यूनिटी के लिए बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें घी यूज़ कर रहे हैं। घी के बहुत सारे फायदे होते हैं जो कि आपको तेल में नहीं मिलेंगे। घी हल्का सा मेल्ट होने लगा है, हम इसमें ये पिसा हुआ मिक्सचर डाल देंगे और इसमें डाल देंगे ये मिक्सी धो के पानी। और हम इसको अब मीडियम फ्लेम पे बहुत अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे। हलवे को मैंने थोड़ा भून लिया है और अभी इसमें मुझे घी कम लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा घी और डालूंगी। तो यहाँ पर टोटल मैंने करीब 1.5 कप घी डाला है, और ग्राम में समझ लें आप 350 से 400 ग्राम घी तक हम इस हलवे में यूज़ करेंगे। ध्यान रखिएगा, इस हलवे को हमें बिल्कुल धीमी आंच पे भूनना है। अगर आप इसको थोड़ा सा भी तेज़ आंच पे भूनेंगे तो ये अंदर से कुक नहीं होगा और फिर ये जल्दी ख़राब हो सकता है। तो इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए हमें इसको बिल्कुल धीमी आँच पर घी छोड़ने तक भूनना होगा। हलवे को भूनते हुए मुझे 40 मिनट हो गए हैं। आप देखिए, इसमें हल्का सा भी कलर आना शुरू हुआ है। और अभी हम इसको बिल्कुल धीमी आंच पे लगातार चलाते हुए काफ़ी देर तक और भूनेंगे, जब तक कि इसका कलर एकदम हल्का ब्राउनिश ना हो जाए। अभी हम हलवे का सिर्फ बेस तैयार कर रहे हैं। इसको खाने का प्रोसेस अलग होता है। जब हलवा बिल्कुल तैयार हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि इसको खाना कैसे होता है। हलवे को हमें तब तक भूनना है जब तक आप देखें कि इस तरह उसमें से घी आ जाए। तो इस टाइम पर हम गैस को ऑफ कर देंगे और हलवे को हम चलाते रहेंगे, क्योंकि कढ़ाई अभी बहुत गर्म है। अगर आप इस हलवे को इस टाइम कढ़ाई में छोड़ देंगे तो ये जल जाएगा। तो आप कलर देख लें किस तरह का, मैंने अच्छा सा इसमें गोल्डन ब्राउन कलर रखा है। बस इतना ही भूनना है इसको। और अब मैं इस हलवे को ठंडा कर लूँगी और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको स्टोर कैसे करना है और इसको सर्व करने के लिए हलवे के बेस से हमें हलवा कैसे तैयार करना होगा। हलवा पूरी तरह ठंडा हो चुका है और आप देखें इसका कलर जो है वो पहले से काफ़ी डार्क हो गया है। और अब हम इसे एक ग्लास के कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देंगे।
तो आप स्टील का या ग्लास का किसी भी तरह का कंटेनर ले सकते हैं। इस हलवे की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको बना के रख लें और फ्रिज में ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, और जब भी आपको इसको खाना है तो आप इसे गर्म कर लें, जिसकी विधि मैं अब आपको बताऊँगी। अब मैं इस हलवे को ढक दूँगी और इसको फ्रिज में रख लूँगी। तो अब मैं दिखाती हूँ कि इसको सर्व करने के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं एक बड़ा चमचा हलवा ले रही हूँ और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा मिल्क और इसको हल्का सा मिल्क के साथ भून लेंगे। तो ये हलवा ज़्यादा नहीं खाया जाता है, ये काफ़ी हैवी होता है। तो इसको हमें सबसे पहले, मतलब बिना कुछ खाए सबसे पहले इस हलवे को खाना होता है, तभी ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो इसको हमें हल्का सा ही भूनना है क्योंकि ऑलरेडी सब भुना हुआ है। तो इस टाइम पर हम इसमें शक्कर डाल देंगे। तो आप जितनी चीनी खाना पसंद करें उतनी डाल लें इसमें। तो मैं इसमें 2 टीस्पून भर के शक्कर डाल रही हूँ। इसको मिक्स कर लेंगे। और अगर आप डायबिटिक हैं और आप शुगर फ्री खाते हैं तो आप इसको बस दूध में भून लें, गैस ऑफ करने के बाद आप इसमें थोड़ा सा शुगर फ्री मिला लें। तो ये देखें, हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है अब। और इसमें हमें घी वगैरह कुछ और नहीं डालना है क्योंकि हमने इसमें भूनते समय काफ़ी मात्रा में घी डाला था। इस हलवे में हमने बादाम, मींगी, पोस्ता और दखनी मिर्चें डाली हैं। ये इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हमारे घरों में बहुत जनरेशन से बनता चला आ रहा है, और ये खासकर प्रेगनेंसी के बाद पढ़ते हुए और बढ़ते हुए बच्चों के लिए सिरदर्द में, थकान और बॉडी एक में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। आप भी इस हलवे को ज़रूर ट्राई करें, आप भी खाएं और अपने घर में सबको खिलाएं, स्पेशली बच्चों को भी खिलाएं। बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो तो आपको इसको खाने के बाद ही पता लगेगा। तो ट्राई ज़रूर करें और हमें फीडबैक में भी बताएं कि आपको कैसा लगा। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।